सो गाइस कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग अच्छे बढ़िया मजे में होंगे। तो भाई लोग यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट बात का ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ गाइस, यहाँ पर जो फ्री फायर है गाइस काफी जल्दी बैन होने वाला है। तो क्यों होगा तो इसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर जो हम लोग का आवारा भाई है जो उसने बात बोली तो वो बहुत ही अच्छा बात बोला। तो क्या क्या बात बोला और फ्री फायर बैन होने से क्यों होगा, कौन सा रीजन के कारण से बैन हो सकता है, तो ये सब के बारे में गाइस मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई लोग इस वीडियो का एंड तक जरूर से देखना अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो तो। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का फ्री फायर में गाइस फ्री फायर गेम नहीं, कुछ और ही हो रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर प्लेयर सबका ऊपर बस एक ही चीज के ऊपर ध्यान जा रहा है, बस डायमंड कलेक्शन और वगैरह वगैरह, जो मतलब फ्री फायर को गेम के तरफ नहीं मतलब कि और कुछ दूसरा वायलेंस के तरफ लेके जा रहा है जैसा लग रहा है। मतलब कि मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर फ्री फायर को फ्री फायर जैसे यहाँ पर खेला नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो आवारा भाई के साथ जो ये हुआ, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हमारे जो आवारा भाई को यहाँ पर कुछ कॉल वगैरह आता है और उसको बोला जाता है कि यहाँ पर डायमंड का डिमांड करते नहीं तो उसका या फिर उसका फोन नंबर को रिवील कर देगा, दूसरे प्लेयर को दे देगा और उसका जो लोकेशन है ये सबको बता देगा। तो ऐसा करके कुछ बंदे जो गए उसके साथ यहाँ पर कुछ ब्लैकमेल करता रही ऐसे कुछ कर रहे हैं। ओके, और आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी न्यूज सुने होंगे कि बंदा फ्री फायर खेलने का नाम मिलने के कारण वो सुसाइड कर लिया या फिर कुछ अपनी मम्मी को ही मारने निकला। तो ऐसा भी गाइस बहुत सारा न्यूज जो कि यहाँ पर निकल के आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग का जो सरकार है मतलब कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर गाइस फ्री फायर में अगर ऐसे कुछ होते रहा ना आगे तक, फ्री फायर कुछ ही दिन तक रहने वाला है अगर ऐसे ही सिस्टम अगर अभी चलते रहा तो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक वार्निंग बस देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप गेम खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, गेम का तरह खेलो, इसको ये मत समझो कि ये एक दूसरा ही दुनिया है, यहाँ पर हमारा खुद का कलेक्शन हो। अगर आप कलेक्शन बढ़ाना चाहते हो तो गाइस, अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप देखो एक ही काम करो, ये भाई मेरा पास पैसा नहीं है मैं इसको नहीं लूंगा, या फिर इसको इग्नोर करो, जितना हो सके इग्नोर करो और गेम को गेम का तरह खेलने सीखो। ओके, मुझे भी यहाँ पर कुछ कॉल वगैरह भी आता था कुछ दिन पहले, आजकल तो आता नहीं है। डायरेक्ट बंदे जो कॉल करके मुझे क्या बोलते गाइस, यहाँ पर बोलेगा कि हेलो भाई कस्टम है, कस्टम खेलो, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे इतना इतना डायमंड है। अरे भाई क्या गजब है यार, वो बंदा खुद मुझे चैलेंज कर रहे और वो बंदा खुद ही डायमंड भी रख रहा है, इतना डायमंड मुझे देना अगर मैं जीतता हूं तो डायमंड का क्या पड़ा है। देखो डायमंड है क्या, देखो यहाँ पर डायमंड उन लोगों के लिए बना है जो मतलब यहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए जगह नहीं मिलते वो सब बंदे को। और गाइस आप लोग को यूट्यूब में भी बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएंगे जो बहुत सारा प्लेयर है, बड़ा बड़ा प्लेयर, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि गाइस यहाँ पर कुछ भी नया चीज आता है फ्री फायर के अंदर, जहाँ पे लकरोल हो गया, फेडेड व्हील हो गया या फिर कुछ भी ऐसा इवेंट जहाँ पर डायमंड खर्च करना होता है, तो वो लोग करते क्या है कि वो लोग पूरा डायमंड लगाता है और ऑडियंस को दिखाता है मैं इतना डायमंड निकाल दिया। तो ऑडियंस को भी लगता है कि मुझे भी ये आइटम चाहिए, तो वो भी जाके क्या करता है यहाँ पर डायमंड के लिए अपनी मम्मी या फिर पापा को बोलता है, पैसा मांगता है। तो पैसा नहीं मिलने के कारण वो लोग पूरा गुस्से में कुछ भी कर जाता है। तो मैं उन यूट्यूबर सबको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो लोग अगर ऐसा वीडियो बनाता है ना, तो उन लोगों को जो है कुछ यहाँ पर छोटा सा लिख के कुछ डिस्क्लेमर वगैरह लिख के रखना चाहिए ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ओके, और आपको अगर डायमंड की जरूरत पड़ता भी है तो गाइस आप अपना मम्मी पापा को फोर्स ज़्यादा यार मत करना, क्योंकि इस मम्मी पापा का ऊपर भी बहुत ही बड़ा बोझ होता है आप लोगों को, मतलब यहाँ पर पढ़ाना लिखाना हो, आपका लाइफ को भी आगे बढ़ा के लेके जाना है, कौन सा दिशा में लेके जाना है, तो वो लोग को भी बहुत कुछ सोचना होता है। तो अगर आपको डायमंड चाहिए तो गाइस आप अपना ही पॉकेट मनी से निकाल सकते हो, जो पैसा होता है आपके पास पॉकेट मनी में, तो उसी को यूज़ करके यहाँ पर डायमंड वगैरह खरीद लो। आप अपना मम्मी पापा को फोर्स मत करो डायमंड या फिर कुछ खरीदना है फ्री फायर में, कुछ टॉप अप इवेंट आया तो ये सब में फोर्स मत करना। ओके, और गाइस आजकल तो फ्री फायर में आप लोग को बहुत सारा रियर आइटम फ्री में मिल ही जाता है, कार स्किन से लेके इमोट से लेके बहुत गन स्किन भी आप लोग को आजकल तो यहाँ पर क्या बोले क्लैश स्क्वाड रैंक, फिर हम लोग का मेन रैंक में भी आप लोग को यहाँ पर गन स्किन वगैरह देखने को मिल जाता है, फिर इवेंट वगैरह में भी गाइस आप लोग को फ्री गन स्किन मिल जाता है। अभी फिलहाल हम लोग के यहाँ पर जे कैरेक्टर का इवेंट चल रहा है जहाँ पर गाइस आप लोग को हर एक प्लेयर को फ्री में ग्लोअल स्किन कैरेक्टर गन स्किन मिल रहा है। तो आप लोगों को इतना सारा फ्री का आइटम मिल ही रहा है तो टॉप अप करने का यार जरूरत ही क्या है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो गाइस आप जो टॉप अप को बिल्कुल अवॉइड करो। ओके, आप टॉप अप को ना के बराबर करो, बिल्कुल कमी करो, जब जरूरत हो तभी करना। ये नहीं कि कुछ भी आइटम आया है फ्री फायर के इवेंट में तो आप उसको जाके निकालो, ऐसा मत करना। ओके, और गाइस आप लोग को और भी ज्यादा डिटेल्स लिए अगर आप लोग को जानना है इसके बारे में, हम लोग का जो आवारा भाई का चैनल में जाके देख सकते हो, ये वाला वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट क्लिक करके आप इसका वीडियो देख सकते हो जहां पर अच्छे तरीके से ये भाई ने हम लोग का आवारा भाई ने समझाया है इसके बारे में। ओके गाइस, तो भाई लोग आज का इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं गाइस, यहां पर मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, तो आप अपना मर्जी से कर देना जो कर
करना है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में ताज़ा अपडेट लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।